साहब। आपकी पत्नी ने कार के ब्रेक फेल करवा दिए? क्या क्या? क्या बकवास कर रहा है तू? मेरी पत्नी ने मेरी कार के ब्रेक फेल करवा दिए। दिमाग खराब है क्या? वो मेरी पत्नी है, वो भला ऐसा क्यों करेगी? अरे साहब, यही तो मैं सोचूं कि वो ऐसा कर क्यों रही है। साहब मैं सच बोल रहा हूँ, आपकी बीबी ने ना इस कार के ब्रेक फेल करवा दिए ताकि आप मर जाओ। तेरा दिमाग खराब है, तू पागल हो गया है। मैं ऐसा करता हूँ, अभी ना पुलिस को बुलाता हूँ, क्योंकि तू पागल हो गया, वो तुझे पागल खाने छोड़ देंगे। ये काम करने के लिए ना मुझे पैसे दिए गए हैं। ये देखिए साहब, आपको तो पता है ना आप मेरे गैराज में कितने टाइम से आ रहे हैं। अरे साहब, सालों हो गए आप एक ही गैराज में आ रहे हैं, वो भी मेरे गैराज में। मैं बहुत वफादार रहता हूँ अपने कस्टमर का, ये काम मैं नहीं कर सकता साहब। मैंने ब्रेक फेल तो कर दी, लेकिन तुरंत ही मैंने टाइट भी कर दी। सच बोल रहा है? मतलब दिव्या मुझे मानना चाहती है, पर क्यों? मुझे ना इस बात का पता लगाना चाहिए कि दिव्या मुझे मानना क्यों चाहती है। तू जा अपना काम कर। जी साहब। हेलो दिव्या, दिव्या मेरी तबीयत खराब हो गई है, जहाँ मेरी गाड़ी ठीक करवा रहा हूँ ना, वहां जल्दी से आ जाओ, बहुत प्रॉब्लम हो रही है यार, जल्दी आओ तुम। हाँ हाँ ठीक है, आ अभी पता चलेगा। दिव्या ऐसा कर क्यों रही थी? अभी आने दो, अभी बताता हूँ उसे। प्रेम, क्या हुआ तुम्हें? मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, वो ना बात कुछ ऐसी थी, मैंने ना कुछ प्लान बनाया था कि हम लोग ना बाहर घूमने चलते हैं लॉन्ग ड्राइव पर, क्योंकि कार भी सही करवा ली है और मेरा काफी दिन से मन भी कर रहा था, लेकिन मैं तुमको बोल नहीं पा रहा था। तो ये क्या तरीका हुआ अब लॉन्ग ड्राइव पे ले जा रहे का? तुमने पता है कितना डरा दिया मुझे फोन पे, मैं भागे भागे आई हूँ यहाँ पे कि पता नहीं क्या हो गया तुम्हें। तुम्हें तो पता ही है ना, पूरे तुम्हें 2 घंटे लग जाते मेकअप करते करते, और फिर भी तुम मुझसे बोलती बस 5 मिनट लगेंगी, बस 5 मिनट लगेंगी, इसीलिए मैंने बोला कि तुम जल्दी से आ जाओ। सही बात है, मुझसे ज्यादा टाइम लगाते हो तुम अपने बाल सेट करने में। हाँ नहीं तो मुझसे कह रहे हो, ठीक है आप जो भी है, बट मुझे अभी नहीं जाना लॉन्ग ड्राइव पे, मैं घर जा रही हूँ। देखो दिव्या, मेरा ना बहुत मन है लॉन्ग ड्राइव पे चलने का यार, प्लीज चलो ना यार, क्यों इतने नखरे कर दी? मन से कुछ नहीं होता प्रेम, जिम्मेदारियां होती है। तुम्हें पता है खाना आधा बना रखा हुआ है घर पे, कुछ हो गया क्या पता, मैंने जल्दबाजी में गैस ठीक से बंद की है या नहीं की है, पूरा घर उड़ गया, तो मुझे घर जाने दो। देखो मुझे काम निपटाने दो, आमना रात को चलूंगी। देखो दिव्या, मैं घर के नौकर को फोन करके बोल देता हूँ, सारी चीजें संभाल लेगा, तुम क्यों टेंशन ले रही हो यार? इतना सारा पैसा देती है हम उन लोगों को, नौकरों को, लेकिन फिर भी तुम इतनी टेंशन लेती हो, मुझे समझ नहीं आता तुम काम करती हो या नौकर काम करते हैं। नहीं वो नौकर ना उसके घर में कोई मर गया, वो चला गया, वो आएगा नहीं 4-5 दिन तक, 4-5 दिन बाद आएगा, इसलिए जब तक नौकर नहीं आएगा तब तक तो मुझे संभालना पड़ेगा, घर पे कोई भी नहीं है प्रेम। अच्छा तुम्हें संभालना पड़ेगा, तो नौकर के घर कोई मर गया है ना, तो उसके ना घूमने के लिए चलते हैं, क्योंकि हम भी तो उसके वो है ना, हमारे यहाँ पर काम करता है, तो हमें भी जाना चाहिए ना, वो हमारे यहाँ काम करता है, अगर उसकी फैमिली में कोई मर गया है तो हमें भी चलना चाहिए, तो उसको थोड़ा अच्छा लगेगा। पागल हो तुम, दिमाग खराब है तुम्हारा, किसका हुआ है दिमाग तुम्हारा, क्या बोल रहे हो तुम? घूमने जाते हैं मरे के घर पे, घूमने चलते हैं। अरे नहीं, उससे मिलने की बात कर रहा हूँ, हम उससे मिलके आते हैं यार, बेचारे का बुरा हाल हो रहा होगा। आज नहीं जा सकते हम वहाँ पे, उसके घर में कोरोना से डेथ हुई है, हाँ हमें भी लग जाएगी बैक्टीरिया, आज नहीं जा सकते हम, चलेंगे बाद में। अभी तुम यहाँ से जाओ, तुम एक काम करो, हाँ मॉल से ना कुछ सामान लेके आना है, क्योंकि घर का ना राशन खत्म हो गया है, तुम वो सामान लेकर आओ, मैं तब तक घर पहुँचती हूँ, चेक करती हूँ कि किचन में कोई गैस तो नहीं चली रही। सुनो मैं मॉल तो चला जाऊंगा, लेकिन वापस तो मेरी लाश आएगी ना घर पर। पागल हो, निकलते वक्त ऐसे बोलते हैं, तुम कुछ भी बोल रहे हो, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, ऐसी फालतू की बातें मैं नहीं सुन सकती। अटकना बंद करो, मुझे चुपचाप ये बताओ तुमने मेरी कार के ब्रेक फेल क्यों करवाए थे? कार के ब्रेक फेल? हाँ दिव्या, कार के ब्रेक फेल, कान साफ कर लिया करो, अगर सुनाई नहीं दे रहा था तुम्हें, तुमने क्या बोला था यहाँ पर मैकेनिक से, तो कार के ब्रेक फेल कर देना, और तुमने उसे पैसे भी दिए थे, वो पैसे उसने मुझे वापस कर दिए हैं, और मुझे सब कुछ बता दिया तुम्हारे बारे में। तुम्हें ना कोई भड़का रहा है मेरे खिलाफ, 100% तुम्हें कोई मेरे खिलाफ भड़का रहा है, वो मैं समझ गई। हाँ मैं तुम्हें ना, मैंने तुम्हें बताया नहीं था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम ना कोई भी स्ट्रेस लो। मेरा जो एक्स बॉयफ्रेंड है ना, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, वो बहुत टाइम से ना मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा था, और मैंने उससे मना कर दिया था कि मैं उससे कोई बात नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं शादीशुदा जिंदगी में खुश हूँ। तो उसको बोला था मैं तेरी जिंदगी आराम कर दूंगा, जरूर उसने ना किसी को पैसे दिए ये करने के लिए, जिससे कि हम दोनों के बीच में लड़ाई हो जाए, और मेरा
अच्छा खासा पसा पसाया करना खराब हो जाए और तुम मेरे ऊपर शक कर रहे हो। कितना प्यार करती हूँ प्रेम में तुमसे। अब तुम सही बोल रही हो, मैं ही गलत समझ रहा हूँ। और ये मुझे लग रहा है 40 से 50 हजार रुपए होंगे, ये भी उसने मुझे वापस कर दिए। अब इतना कोई कर रहा है तो मुझे लग रहा है कि वो झूठी बोल रहा होगा। और क्या, झूठी बोल रहा होगा। तुम सच बोल रही हो, मैं ऐसा करता हूँ कैमरे चेक करवा लेता हूँ, ठीक है? हाँ, तो पता चल जाएगा तुमने उसे पैसे दिए कि नहीं दिए। ओए इधर आ। हाँ साहब जी, मुझे ये बता तेरे गैरेज में कैमरे लगे हैं ना? मेरे बिल्कुल लगे हैं। तो ऐसा कर, सीसीटीवी फुटेज निकाल के ले क्या, जब दिव्या ने तुझे पैसे दिए थे। जा। नहीं, वो तो पैसे तो मैंने उसको किसी और काम के लिए दिए थे, जानती हूँ मैं। झूठ बोलना बंद करो। कितना झूठ बोलोगी, ठीक है मत बताओ मुझे सच। मैं ना पुलिस को बुला रहा हूँ और तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट करूंगा और इसकी गवाही लगवाऊंगा, तब तो तुम बोलोगी ना। अब तुम सीधा जेल जाओगी यहाँ से। नहीं प्रेम, प्लीज पुलिस को कॉल मत करना, मैं तुम्हें सारा सच बताती हूँ। मैं नहीं करवाए थे तुम्हारी कार की ब्रेक फिल। क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी चाहिए थी। वो सारी की सारी प्रॉपर्टी पहले तुम्हारे पापा के नाम थी, जैसे तैसे वो मरे तो तुम्हारे नाम हुई, और उसमें भी उन्होंने ऐसी विल डाल दी कि प्रॉपर्टी का सिर्फ 20% ही तुम्हें मिलेगा और बाकी 80% प्रॉपर्टी ना चैरिटी में चली जाएगी। अरे मुझे ये पता था कि अगर अभी वो विल ट्रांसफर होने से पहले अगर तुम भी मर जाते हो तो वो सारी की सारी प्रॉपर्टी ना मेरे नाम हो जाएगी और कुछ भी चैरिटी में नहीं जाएगा। दिव्या तू पागल है क्या? तूने मतलब प्रॉपर्टी के लिए मेरी जान लेने की कोशिश की? मतलब तू मुझसे प्यार प्यार कुछ भी नहीं करती है? इतने दिनों से तू मुझे बेवकूफ बना रही थी। अब मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा और मैं तेरे खिलाफ केस करूंगा, क्योंकि तुम मुझे मारने की प्लानिंग कर रही थी। दिव्या तूने ना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। मैं तुझसे कितना प्यार करता था, जो भी बोलती थी वो लाके देता था, जहां भी बोलती थी वहां लेके जाता था, लेकिन तूने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा, तूने सिर्फ प्रॉपर्टी के बारे में सोचा। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, अब तू यहां से निकल, अब मैं तेरे घर पे ना कल पुलिस लेके आऊंगा। प्रेम देखो, अब मेरी तुमसे अरेंज मैरिज हुई थी, मैंने तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं, पर ये सब मेरा आइडिया नहीं था, वो मुझे ना भड़काया था मेरी फ्रेंड ने, तो जो मेरे माइंड में उसने भरा ना मैं वो करने चली थी। अब मुझे समझ में आ रहा है कि कितना बड़ा स्टेप था, अगर तुम तो कुछ हो जाता तो मैं ना खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। देखो मुझे एहसास है अपनी गलती का, प्लीज इस बात को खत्म कर दो। अब मैं आज के बाद दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी, मुझे नहीं चाहिए प्रॉपर्टी। दिव्या तुम दोबारा कर भी नहीं पाओगी, तुम्हें होगी सीधे जेल, क्योंकि तुमने मुझे मारने की कोशिश किया। और तुम क्या बोल रही हो, तुम्हारी फ्रेंड ने तुम्हें भड़काया? अरे कोई भी भड़काएगा तो तुम उसकी बात मान लोगी? कम से कम सच तो जान लेती। मैं वो आधी प्रॉपर्टी तुम्हारे ही नाम करने वाला था, तुम्हारे बर्थडे पर, लेकिन तुमने क्या किया, मुझे मारने की प्लानिंग करी। अब चुपचाप यहाँ से निकलो, अब मैं तुम्हारे घर पुलिस लेके आता हूँ, तभी बात होगी। निकलो यहाँ से, निकलो।